तरह 11 पार्ट बनाने का इरादा है बागी के निर्देशकों का। कितनी कमाई होती है आखिर बागी के नाम पर? क्यों नहीं छोड़ा जा रहा टाइगर से बागी का दामन? किन किन स्टार्स ने मना किया बागी 5 में काम करने से? हमारी क्रिकेट टीम में जैसे 11 खिलाड़ी एक के बाद एक आकर मैदान में अपना जोश दिखाते हैं, कुछ खिलाड़ी अच्छे रन बना जाते हैं तो कुछ ऐसे ही क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, वैसे ही कुछ हिसाब चल रहा है हमारी उस मूवी का जिसकी हम आज बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, कभी कभी तो मुझे लगता है कहीं इसके निर्देशक ने इस मूवी की एक क्रिकेट टीम बनाने का निर्णय तो नहीं ले लिया। कुछ लोगों ने तो अंदाजा ही लगा लिया होगा कि हम कौन सी मूवी की बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, और जो नहीं जान पाए उनके लिए बता दें, हम बात कर रहे हैं टाइगर की बागी की। अरे नहीं नहीं, मूवी का नाम बागी ही है लेकिन जाहिर है टाइगर के अलावा इसमें दिखता कौन है, तो बस फ्लो फ्लो में टाइगर की बागी निकल गया। लॉकडाउन के बाद अब सब कुछ फिर से शुरू किया गया है। जैसे कि सरकार ने फिल्म की शूटिंग की अनुमति दी, सब निर्देशकों ने अब आपके सबसे चहेते स्टार्स को काम के लिए राइट किया है। उन्हीं स्टार्स में से टाइगर भी एक है। टाइगर की इन दिनों 2 से 3 फिल्मों की शूटिंग एक साथ चल रही है। टाइगर जरा एक बात तो बताएं, आपको भी दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं ना, या भगवान ने थोड़ा ज्यादा समय आपको दे रखा है जो एक दिन में 3 फिल्मों की शूटिंग चल रही है? खैर, फिर आप पैसे भी इतने ही खाते होंगे। जाहिर है जब आपको इसमें कोई मुनाफा नहीं होगा तो आप ये काम करेंगे ही क्यों। अब बात पैसे पर आ ही गई है तो बता दें, बागी से टाइगर ने अब तक लगभग 500 करोड़ से भी ज्यादा कमा लिया है। टाइगर अब तक यंग टैलेंट की मिसाल बन चुके हैं जिसमें काफी लोग इंस्पायर भी होते हैं। हालांकि कारण है कि जो बागी पर टाइगर का एक पेटेंट सा हो गया है। अब भाई, जिसे इतनी कमाई हो रही है, लोगों को इतना प्यार मिल रहा है, उस मूवी को कोई क्यों ना छोड़ना चाहेगा। खैर, हम भी चाहते हैं टाइगर आप यूं ही बागी के पार्ट्स बनाते जाएं और अपने फैंस के दिलों पर राज करते जाएं। लेकिन टाइगर, हम आपसे यह भी पूछना चाहते हैं कि आखिर क्यों एक बार निर्देशकों ने आपको बागी 4 से दूर करने के बारे में सोचा? तो दोस्तों, अगर आपको ये बात नहीं पता कि जब बागी 4 और 5 के लुक टेस्टिंग चल रही थी तो निर्देशकों ने दिल में टाइगर के अलावा आयुष शर्मा, राजकुमार राव जैसे नाम भी थे, क्योंकि इन दोनों की फिल्में भी शूटिंग चल रही थी, जिसके कारण निर्देशकों ने बागी 4 और 5 में भी टाइगर को लेना ही मंसूबी समझा। अगर अब बागी 5 की कहानी की बात करें तो सुनने में आ रहा है कि इसमें फिर वो अपनी किसी खास के लिए बागी बनने नजर आएंगे। लेकिन लोगों ने इन्हें यह कह कर ट्रोल किया है कि अब क्या अंतरिक्ष से छुड़ाने जाओगे? लोगों के तो मुंह है, कहेंगे ही। इसमें साथ ही आपको बता दें, बागी 5 में पहले से ज्यादा एक्शन और विलन देखने को मिलेंगे। बागी 5 आने वाले टाइगर की अब सब मूवीज में से ज्यादा सफल मूवी होने वाली है, क्योंकि इस बार बागी में से दिशा की दिशा पलटी हुई नजर आएगी। टाइगर के साथ अब की बार श्रद्धा कपूर नजर आने वाली है। अब देखना यह है कि क्या श्रद्धा और टाइगर दोनों मिलकर बागी को सफल बना पाते हैं। इन दोनों की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचाती है यह तो मूवी देखने पर ही पता चलेगा। लेकिन आपको क्या उम्मीदें हैं बागी 5 से, हमें कमेंट करके भी जरूर भेजें। हम फिर हाजिर होंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें और मुस्कुराते रहें। बाय। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है मनीषा जैन ने।